नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ नम्रता चंचूत्रा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए की ओर से जल्द ही जेईई मेंस के पहले चरण का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि जेईई मेन 2022 के लिए परिणाम दो चरणों में जारी किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि जेईई मेन 2022 के पहले चरण यानी जून सत्र की परीक्षा के परिणाम शनिवार 9 जुलाई को जारी हो सकते हैं। वहीं पहले चरण के लिए एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जेईई मेन की फाइल आंसर की भी जारी कर दी है। इसमें चार प्रश्नों को ड्रॉप कर दिया गया है जिनके अंक सामान्यकरण में जुड़े जाएंगे। अब जल्द ही पहले चरण का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। इसी के साथ जेईई मेन परीक्षा परिणाम में देखने के लिए उम्मीदवारों को अपने पंजीकरण क्रमांक यानी कि रोल नंबर और पासवर्ड की जरूरत होगी। आपको बता दें कि 23 जून से शुरू हुई थी परीक्षा, देश के सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। इसी के साथ पहले दिन भी आर्किटेक्ट पाठ्यक्रम के लिए दो शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसके बाद 23 जून से 30 जून 2022 तक बीटेक व बीए के लिए प्रवेश परीक्षा हुई थी। वहीं एनटीए की ओर से जेईई मेन के दूसरे चरण के समापन के बाद दोनों चरणों के लिए संयुक्त एनटीए रैंक जारी की जाएगी। उसकी रैंक के आधार पर फाइनल कट ऑफ जारी होगी। इसमें उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। एनटीए छात्रों द्वारा प्राप्त स्कोर के सामान्यकरण के बाद रैंक सूची और कट ऑफ अंक तैयार किए जाएंगे। शीर्ष 2.50 लाख रैंक उम्मीदवारों को जेईई एडवांस परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें।